वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आप लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे और आज जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि आप और हम में से कोई भी या हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ों से सफ़र कर रहे होते हैं जिनके बारे में हम बात नहीं कर पा रहे होते। बात इसलिए नहीं कर पा रहे होते क्योंकि शायद हमें वो सेफ स्पेस नहीं प्रोवाइड की जाती और शायद हमें लगता है कि अगर हम इस बारे में बात करेंगे तो लोग आपको विक्टिम कहना शुरू कर देंगे या फिर बाज़ औक़ात आप कंफर्टेबल ही नहीं होते बात करने में कि नहीं भाई रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं है ये बात करने का। लेकिन हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें लगता है कि हमारा अपना जो किरदार है सोसाइटी में उस एक स्पेसिफिक इशू को लेके उसमें वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं, खुद से आप क्या इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। तो जनाब अगर कलरिज्म की बात आए तो वहाँ पर भी हम देखें तो बहुत सारी हम जहाँ पर बुलिंग की बात कर रहे होते अक्सर का तो वो हमारे कलर की बेसिस पर भी हमें बुलिंग जो है वो की जा रही होती है। सो उसमें फातिमा लोधी ने एक इनिशिएटिव लिया, उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं अपने ओन पे इसको इनिशिएट करूं। तो फातिमा ने सोचा कि मैं एक कैंपेन लॉन्च करती हूं जिसका नाम है डार्क इज डिवाइन, कि एक खुद से एक इंडिविजुअल क्या किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का उन्होंने सहारा लिया, उन्होंने सोचा कि डार्क इज डिवाइन कैंपेन को स्टार्ट किया जाए। जब कैंपेन को स्टार्ट किया गया तो उसके बाद क्या हुआ और फातिमा को इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, वो किस तरह से एक्टिविस्ट बनी, एंटी कलरिज्म कैंपेन की बेसिकली इसकी एडवोकेट किस तरह से बनी, इनकी स्टोरी इनसे जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फातिमा लोधी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? यू लुक लवली। थैंक यू जी, थैंक यू। माशाल्लाह, जो स्माइल होती है ना वो किसी भी माहौल को बड़ा खूबसूरत बना देती है। आप आई, हमें बड़ी खुशी हुई है। ये जो टॉपिक है, ये चैप्टर है, ये बड़ा सेंसिटिव है और इसके ऊपर तो एजुकेट करना बहुत जरूरी है। जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं यहाँ पर अक्सर जो आपको टॉन्ट भी किया जाता है तो आप एक कलरिज्म की वजह से, और लोग फील ही नहीं करते कि मैंने कोई ऐसी बात कही है। तो ये जो है हमने बताना है कि आपने जिसको कहा है उसके ऊपर क्या गुजर रही होती है, आप उसका इमेजिन ही करें तो आप लरज जाते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली राइट। कि एक तो आपने बात की कलरिज्म की, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो हूँ लोगों को क्लैरिटी देना चाहूँगी कि रेसिज्म और कलरिज्म दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। कलरिज्म इज समथिंग विच इज विद इन द रेस। आपकी ही रेस में लोग जब एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्किन टोन तो वो कलरिज्म होता है। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान में रहते हुए हम लोग मतलब एशिया में वी आर ऑल एशियंस पाकिस्तानी, तो जहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कलरिज्म कहलाई जाती है, वो रेसिज्म नहीं कहलाई जाती। और इस चीज़ का मुझे पता लगा 2013 में, क्योंकि उससे पहले मैं खुद विक्टिम रह चुकी हूँ कलरिज्म की। मुझे बहुत ज़्यादा मजाक मेरा उड़ाया जाता था मेरी स्किन टोन की बेसिस पे, लेकिन कोई था नहीं जो कि आवाज़ उठा सके। यू नो, हमें ये सिखाया जाता है कि बेटा अगर कुछ कोई कह रहा है तो इग्नोर कर दो। तो इग्नोर करते करते मुझे लगा कि शायद जो मुझे बुली करते हैं मैं उनको एम्पावर कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप एक बुली को इग्नोर करते हैं तो आप उसको इनडायरेक्टली एम्पावर कर रहे होते हैं कि तुम कल को जाके किसी और को बुली करो। ठीक है, तो दिस इज़ समथिंग दैट आई लर्न्ड। और मैंने सोचा कि मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जहाँ पर मैं अपनी आवाज़ बुलंद कर सकूँ, अपनी आवाज़ उठा सकूँ, क्योंकि मुझे पता है हाउ इट फील्स जब आपको कोई डिस्क्रिमिनेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग दैट यू आर बॉर्न विद। एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि मेरा कॉम्प्लेक्शन, मेरी लुक्स, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ें, ऑब्वियसली हम इसी तरह पैदा हुए हैं तो हम कैसे नेचर को फाइट करें। एग्जैक्टली। और कलर, इंसान इंसान है, हर इंसान को अल्लाह ने डिफरेंट सलाहियतों से आपको नवाजा है और कलर तो इट्स जस्ट अ फीचर। किसी का कोई कलर है, किसी का कोई कलर है। सो इसमें कोई इतना मतलब इसमें मुझे तो पर्सनली समझ नहीं आती कि इसमें डिस्क्रिमिनेट करने वाली चीज़ ही क्या है। हमारा माइंडसेट ऐसा क्यों बन गया फातिमा? माइंडसेट हमारा इसलिए इस तरह बन गया बिकॉज हम लोग कॉलोनाइज थे। आप लोग सब इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि वो कॉलोनाइजेशन की वजह से हमें लगा कि वाइट इज माइट। जो गोरे लोग होते हैं वो सुपीरियर होते हैं और जो डार्क स्किन लोग होते हैं या तो देर वर्किंग क्लास, ठीक है, फाइनेंशियली दे आर नॉट वेल ऑफ। ठीक है, हमारे आप अगर मीडिया की तरफ में थोड़ा सा ले जाऊं तो वहाँ पे भी यही चीज़ें प्रमोट की जाती हैं जो अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी सेट कर दिए गए हैं। ठीक है, आपको कभी कोई इस तरह की रिप्रेजेंटेशन मुझे कभी नज़र नहीं आई कि जो लीड रोल हो किसी ड्रामा में किसी में वो डार्क स्किन्ड हो। ठीक है, यू नो, ताकि मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े चेंज हो सके ना ब्यूटी के बारे में या लोगों के कॉन्सेप्ट चेंज हो सके। आपको हर दफ़ा एक फेयर स्किन्ड दुबली पतली सी लड़की दिखाई जाती है हु इज़ अ रोल मॉडल, हु इज़ द मेन लीड एक्ट्रेस। ठीक है, एंड एवरीबॉडी इज़ गोइंग गागा आफ्टर हर। सो बेसिकली अनरियलिस्टिक चीज़ें जो हमें दिखाई जाती हैं उससे हमारा माइंडसेट बेसिकली चेंज हो रहा होता है। लेकिन अब एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे हमने देखा है
ऐसे प्रोग्राम्स हमारे आ गए हैं, ऐसे ड्रामास हम देखना शुरू हो गए जहाँ पर इसके ऊपर बात भी की जा रही है, इसके ऊपर ड्रामास भी बन रहे हैं इस इशू के ऊपर, और वहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि जो लीड पे होते हैं वो इस चीज़ पे बेस नहीं कर रहा होता है कि उसका कलर क्या है या क्या नहीं है। सो ये आप जैसे लोगों की वजह से ही है कि जहाँ पर लोग बात नहीं करते थे इन टॉपिक्स के ऊपर, अब जब सोशल मीडिया हमारे पास है, उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आप लोगों ने आवाज़ उठाई, तो अब आप देख रहे होते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी हमें बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स नज़र आ रही होती हैं। फातिमा, पर्सनली आपने अगर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस वक्त जो हमें लोग देख रहे हैं वो इससे रिलेट कर सकें और हम सब जो है इस इशू के बारे में बात करें, हम आवाज़ उठा सकें, आपने डिस्क्रिमिनेशन की बात की, सो जब आपको बुली किया जाता था सो उसमें आपने क्या क्या चीज़ें थी जो कि आपको लगा कि अगर ये मुझे ना किया जाता तो मैं ये अचीव कर सकती थी, इससे मेरी मेंटल हेल्थ इस हद तक इफेक्ट हुई, इस बारे में थोड़ा अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। बिल्कुल, आई वुड लव टू शेयर दैट, बिकॉज बुलिंग का जो स्टार्ट हो गई थी मेरा वो स्कूल जब मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, बिकॉज हम लोग फील नहीं करते, हम लोग को इतना ज़्यादा ये इंग्रेन्ड है हमारी सोसाइटी में कलरिज्म, इट्स डीपली एम्बेडेड कि हमें लगता है इट्स अ नॉर्मल थिंग, ठीक है, किसी की नेम कॉलिंग हो गई, किसी को उसकी कलर के बेसिस पे कुछ कह दिया गया, तो मेरे साथ यही होता था, यू नो नेम कॉलिंग बहुत ज़्यादा थी, यू नो दे वुड कॉल मी अगली डकलिंग एंड बहुत, मतलब बहुत जो है डेरोगेटरी टर्म्स यूज़ की जाती थी, एंड मतलब छोटी एज से जब आप इस तरह की बातें सुनते हैं, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि माई फैमिली वॉज डूइंग दैट, बट जो मेरे स्कूल में जो फ्रेंड्स होते थे, यू नो क्लासमेट्स होते थे, टीचर्स जो थी वो कभी मुझे किसी प्ले के लिए नहीं लेती थी, ये जो टैबलोज होते हैं छोटे बच्चों के ना, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज एट द बैक स्टेज, यू नो बिकॉज दे वॉन्टेड द क्यूट गर्ल्स टू बी देयर ऑन द फ्रंट लाइन, क्यूट डेफिनेशन हर एक के लिए डेफिनेटली वो वेरी करती। अच्छा, ये जो एक चीज़ आप कह रही है ना कि यू, मैं ये मान ही नहीं सकता कि यू आर द ओनली वन, क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो यहाँ पे कम्प्लेक्शन है, तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ यू आर द ओनली वन, आपके साथ दूसरी बच्चियाँ भी होंगी ना फील कर रही होंगी, और फिर दूसरी जो नेचर होती है आपकी, जो नेचर होती है कि आपके अपने ऊपर तो बीत रही होती है मगर जब शायद वो आप बर्दाश्त कर जाते हैं, जब इर्द गिर्द जो दूसरों पर बीत रही होती है तो आप सेंसिटिव होते हैं, तो कहते हैं नहीं मेरे साथ तो हो चुका है, मैं इनके साथ नहीं होने दूँगी, एंड देन फिर आपकी एक जर्नी शुरू हुई, तो बताएं ना उस जर्नी कैसे हुई, क्या अचीवमेंट्स हैं आपकी और किस हद तक आप समझ रही हैं कि आप इसमें कामयाब हो रही हैं। मैंने 2013 में जो है कैंपेन का आगाज़ किया एंड मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली की तरफ से, माय बाबा सजेस्टेड द नेम ऑफ दिस कैंपेन एंड मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो हिम्मत जो ना गैदर करनी पड़ी, बिकॉज मैं आई वॉज़ वेरी लो कॉन्फिडेंट गर्ल, क्योंकि जब आप इस तरह की बातें सुनते आते हैं अपने फ्रेंड्स से सो यू वॉन्ट टू आइसोलेट योर सेल्फ, मेरे साथ यही था, मैं दोस्त नहीं बनाना चाहती थी कि यू नो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, आई वाज ऑलवेज ट्राइंग नॉट टू गो टू स्कूल, यू नो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा फेस की एंड इसका बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहा, एंड कहने को ये बहुत आम सी बात लगती है लेकिन जिस पे गुजरती है उसके लिए इट्स अ लाइफ लॉन्ग थिंग, सो आई नेवर वॉन्टेड कि कोई और इस चीज़ से गुजरे, क्योंकि मुझे पता है हाउ इट फील्स, तो इसीलिए मैंने डिफरेंट जगह पे जाके जब मैंने अपनी आवाज़ उठाई तो मुझे खामोश कराया जाता था कि ऐसा कुछ नहीं है पाकिस्तान में, यू नो पाकिस्तान में कलर डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं, सही, एंड इट वाज वेरी फनी क्योंकि मैं खुद फेस कर चुकी थी, मैंने लोगों को देखा था वो किस तरह से इस चीज़ से गुजरते हैं, यू नो अगर कोई यू नो प्लस साइज है तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, कोई अगर प्रॉपरली चल नहीं पाता उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, मतलब हर किसी के लिए आपने जो एक नाम सोचा हुआ है एक अजीब सी डेरोगेटरी टर्म आप यूज़ करते हैं, सो आई वॉन्टेड टू फाइट दैट, इट्स नॉट ओनली कलरिज्म लेकिन ऑल्सो पॉजिटिव बॉडी इमेज, ठीक हो गया, तो अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने इसको फिर ऑनलाइन स्टार्ट किया, दैट वॉज द ओनली चीप वे, क्योंकि फेसबुक और इस तरह की चीज़ें ये फ्री होती हैं, आप अपना आराम से सोशल मीडिया पर कुछ भी कर सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, तो मैंने इसको स्टार्ट किया एंड वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2013 में, बहुत ज़्यादा अपोजिशन फेस करनी पड़ी, लोग कहते थे कि यार ये सिंपैथी गेन करने के लिए करती है, यू नो बेचारी और ये सारा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, आई जस्ट वांटेड टू रेज माय वॉइस एंड टू रीडिफाइन द अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी। इसको जो है स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी पे हम बात करते हैं, बात चल रही है, हम इस बात को लेके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक में कम अज़ कम आप ही जरूर सोचिए कि जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं और हमारा जो माइंड सेट है हम इसको किस हद तक कामयाब हो चुके हैं बदलने में और कितना और हो सकते हैं और कौन से मीन्स हैं जिसके लिए हम इस माइंड सेट के ऊपर एड्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद आकर इस टॉपिक को हम लेकर आगे बढ़ेंगे।
वेलकम बैक जी. वो कहते हैं ना कि डार्क कलर इज नॉट क्राइम एंड वाइट कलर इज नॉट प्राइज. और ये रियलिटी हमें समझनी चाहिए कि रब ताला ने इस कायनात को तख्लीक किया और हम जितनी भी उसकी मखलूक हैं बड़ी खूबसूरत मखलूक हैं. ये देखने वाली आँख हैं जिसने उसमें अपने डिफरेंसेस क्रिएट करनी है और उसकी वजह से जो इंसान के अंदर जो इंसानियत है ये उसके अंदर बड़ा जुर्म कंसिडर किया जाता है और इसके ऊपर बड़ा काम भी हो रहा है कि हम किसी नस्ल और किसी रंग की बुनियाद पर किसी इंसान को हम ये नहीं कह सकते कि तुम जो हमसे कमतर हो. और हमें फ़ख्र है, हमें इस बात पर फ़ख्र है कि फातिमा लोधी जैसी हमारी बेटियाँ हैं जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है. और जब उन्होंने आवाज़ उठाई है उस आवाज़ को दूर तक सुना गया है और आवाज़ हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं. और इसी पे बात हो रही थी कि उसके पीछे उनकी अपनी जो भी पेन था मगर उन्होंने दूसरों के पेन को भी रियलाइज़ किया और जब उन्होंने स्टेप्स उठाए भी तो घर से उनको पूरी पूरी जो है पूरी तरफ से घर की तरफ से उनको बैकिंग मिली. मगर जो बाकी लोग थे शुरू में उनका वो भी मजाक उड़ा रहे थे मगर माशाल्लाह कामयाबियों की सीढ़ियाँ तय करती जा रही हैं और माशरे में चेंज में उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है. यहीं से लेकर आगे बढ़ते हैं कि फिर आप जब आगे बढ़ी सोशल मीडिया को आपने इस्तेमाल किया तो फिर वो स्टेप्स जब आगे बढ़े और फिर उसमें क्या आपने किस हद तक आप समझ लिए कि आप कामयाब हो चुकी हैं और अभी क्या आप हमसे क्या चाहती हैं? थोड़े समय ऐड करूंगी. कितनी जिंदगियां आपने देखी हैं बदलते हुए, लोगों ने क्या अचीव किया, आपकी अपनी अचीवमेंट्स तो माशाल्लाह वो भी सामने ही है कि आप काफी आगे अब जिंदगी में आप बढ़ चुकी हैं, बढ़ रही हैं माशाल्लाह से, लेकिन कितने लोगों को आपने चेंज होते हुए देखा? मैं जो सबसे बड़ी अचीवमेंट अपनी समझती हूँ वो ये है कि एक जो चीज़ मैं चाहती थी कि जो वर्ड डार्क है उसकी कॉनोटेशन पॉजिटिव कर सकूं, वो माशाल्लाह से हुई है. क्योंकि पहले जो वर्ड डार्क है उसको बड़ा ग्लूमी और डिप्रेस्ड और इस तरह का समझा जाता था, लेकिन अब क्योंकि उसके साथ एक पॉजिटिव कॉनोटेशन अटैच हो गई है तो लड़कियां बहुत ही यू नो दे प्राउडली से कि जी आवर कॉम्प्लेक्शन इज़ ब्यूटिफुल, जो डार्क स्किन लड़कियाँ हैं. पहले उनको लगता था जी इट्स ओनली अगली. तो ये एक मेरी अचीवमेंट ये इस तरह से मैं मानती हूँ कि लड़कियाँ आती हैं दे टेल मी कि भाई हम अपने आप को मतलब यू नो वी फील कॉन्फिडेंट, वी फील कंफर्टेबल इन आवर ओन स्किन, मतलब हमें अब कोई अपने आप से शर्म नहीं आती है. एंड बहुत सी यू नो छोटी बच्चियाँ हैं उनकी मदर्स ने मुझे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा यू नो अब हम अपने बच्चों को बहुत आराम से समझा सकते हैं कि जी योर कॉम्प्लेक्शन इज़ ब्यूटिफुल. पहले हमें बहुत से तरीके ढूंढने पड़ते थे कि किस तरह से हम इनको इन चीज़ों से बचा सकते हैं कि इनको अगली ये फील ना करें बिकॉज दे आर डार्क स्किन यू नो. तो ये आई थिंक इट्स ऑन छोटे लेवल पे बट आई कंसीडर इट एन अचीवमेंट. आपने छोटे बच्चों की बात कही है ना, रियली आप छोटा बच्चा जब किसी छोटे बच्चे को कोने में आप रोता हुआ देखते हैं बुलिंग की वजह से तो बहुत शदीद पेन फील होता है और आपको अपने एपिसोड याद आ जाते हैं. मगर बच्चे तो क्यूट होते हैं ना, आप भी माशाल्लाह बड़ी क्यूट हैं. तो आप जब आपको एक होता है ना, मैंने आपसे पूछा था कि मैं समीन या राइजिंग पाकिस्तान तो आपको बुलाकर हम इस आवाज़ को उठा रहे हैं तो सोसाइटी को एक्टिव करने में आपको कितना पेन उठाना पड़ा और आप कितना फील हो रही हैं कि मैं देखा हमने बहुत से ऐसे सोप्स और क्रीम का टैग लाइन ही ये हुआ करती थी कि पूरे पाकिस्तान को हम जो है ना साफ करेंगे, चेहरे को निखार देंगे. मगर वो सब कुछ बदला है, उसमें आपका बड़ा एक अहम रोल है आपका, आप जिस दूसरे दोस्तों का साथियों का. बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश चल रही है. और आई थिंक हम जब बात कर रहे थे माइंडसेट चेंज करने की तो बहुत छोटी एज से आपको स्टार्ट करना पड़ता है क्योंकि एक दफ़ा बात करने से आपके माइंड में वो चीज़ नहीं बैठेगी. तो ये डेली बेसिस पे जो डोज है वो देनी पड़ती है और मैं वही कर रही हूँ 2013 से. मुझे लोग कहते हैं आप थकती नहीं एक ही बात करते करते, तो मैं उनसे कहती हूँ कि जब मैंने सोच लिया है कि मैंने लोगों का माइंडसेट चेंज करना है तो डेफिनेटली जनरेशन लॉन्ग एफर्ट तो इसमें डलनी ही डलनी है एंड आई एम गोइंग टू डू दैट इंशाल्लाह. ठीक हो गया. अच्छा फातिमा, अब हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि आपने अपना किरदार अदा किया और हमें नज़र आ रहा है आप 2013 से कैंपेन रन करी हैं और आपने बहुत सारे बहुत हद तक आपने माइंडसेट चेंज करने में आप कामयाब भी हुई हैं. मैं चाहूँगी कि अभी जितने लोग हमें देख रहे हैं, पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, टीचर्स हमें देख रहे हैं, बच्चे हमें देख रहे हैं, हर कोई हर एज लेवल पे किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकता है सोसाइटी में एंटी कलरिज्म कैंपेन को लेके. सबसे पहले तो टीचर्स की मैं बात करूँगी, टीचर्स का, क्योंकि आफ्टर पेरेंट्स जो है उनका बहुत बड़ा हाथ होता है जब बच्चे की अपब्रिंगिंग होती है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्पेंड करते हैं स्कूल में जब बच्चे छोटी एज में स्पेशली, तो उस टाइम पे उनके जो माइंड होते हैं दे लाइक स्पंज, आप जो चीज़ डालेंगे वो एब्जॉर्ब करते हैं. तो टीचर्स का इसमें रोल ये है कि दे शुड टेल किड्स कि इट्स ओके टू बी डिफरेंट. जैसे पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, उस तरह हर कोई अलग है, ठीक है, किसी का कॉम्प्लेक्शन डिफरेंट है, किसी की नोज़ का शेप अलग है. तो बच्चों को आपने छोटी सी एज से ये सिखाना है और
एक्सक्यूज मी, और आई थिंक ये क्लासेस जब आपकी होती हैं स्कूल्स में, एक ये छोटी सी एक्टिविटी उनको रखनी चाहिए कि व्हाट रियली इम्पॉर्टेंट इज कि आपके दिल में क्या चीज़ है. यू नो, छोटे बच्चों के साथ जब मैं एक्टिविटीज करती हूँ वो यही होती हैं कि ये मैटर नहीं करता आप कैसे दिखते हैं, लेकिन ये मैटर करता है कि आपके हार्ट में कितनी प्योरिटी है, क्या चीज़ है लोगों के लिए, कितना वो है. एंड आई थिंक जो सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमें स्टार्टिंग से देना चाहिए. एंड जैसे थैंक्स टू यू कि आपने मुझे बुलाया और यहाँ पे मैं अपनी आवाज़ उठा सकती हूँ, आप लोग बात कर रहे हैं. एंड ये बहुत रेयर है कि लोग इस तरह से बात करें इस टॉपिक के बारे में, बिकॉज लोग घबराते हैं, यू नो, जब कलरिज्म की या कलर डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है. सो थैंक यू सो मच. एंड मदर्स का भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल है कि वो शुरू से ही बताएं, स्पेशली बॉयज़ को, क्योंकि आगे जाके ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब शादी की बात आती है और इस तरह से, यू नो. तो आई थिंक आपको शुरू से ये चीज़ सिखानी चाहिए कि इट्स ओके टू बी डिफरेंट एंड टू रिस्पेक्ट द वे समबडी लुक्स. जिससे आपने बात की है, क्योंकि एक ऐसा मैं जेंडर बैठा हूँ, मेल जेंडर बैठा हूँ, आपने बिल्कुल सही बात कही है. और हमें डिस्करेज भी करना चाहिए, और बीइंग अ मर्द में मैं महसूस करता हूँ कि एक दिन मेरी भी वालदा है, मेरी भी बहन, मेरी भी बेटियाँ हैं, और ये वक्त मुझ पे भी आ सकता है. तो हमें इस ट्रेंड को बदलना चाहिए कि जब हम जाएं तो वही हमने जो ट्रेंड सेट्स किए हैं, और बड़ा पेनफुल होता है कि एक लड़की आ रही है आपके लिए चाय लेकर आ रही है. अभी भी हो रहा है, ये मैं नहीं कहूँगा कि नहीं हो रहा है, और आप उसको देखते हैं और येस और नो के ऊपर वो तकलीफ से जो गुजरती है. और फिर हम तो दिखाते भी यही थे कि वो जब आ रही है तो उसने वो फेयर क्रीम एक लगाई हुई है, मगर आप जैसे दोस्तों और बच्चों की वजह से ये सीन ज़रूर हो गया कि इस तरह के कमर्शियल्स नहीं आते, इस तरह की चीज़ें रुक गई हैं. अच्छा, अब उसमें एक तो आपने बता दिया वालदा है, वालिद को भी टीचर्स ने भी किरदार अदा करना है. उसके बाद जो क्राइम कर चुके हुए हैं, ये जो कमर्शियल एड्स बनाते हैं, उनका भी तो एक वर्क बनता है ना कि अब वो इसको जो डैमेज से कंट्रोल कर चुके हैं, मगर उसको हम रीड्रेस करें, उसको बदलें. कोई ऐसी कंपेन्स की तरफ भी आपने कोई उनको कोई राय दी है या कुछ सिफारिशात दी हैं, इस तरह की कंपेन्स भी चलाई जाए? सोशल मीडिया के अलावा बेसिकली मीडिया क्या रोल अदा कर सकता है? सोशल मीडिया के अलावा मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज मैं वही हर दफ़ा बात करती हूँ कि इट्स अ बेबी सिटर मीडिया. जब आप बच्चे को मीडिया के सामने बिठा देते हैं, जो चीज़ चल रही होती है वो एब्जॉर्ब करता है, तो आप जितना अच्छा दिखाएंगे वो उतना अच्छा उस चीज़ से सीखेगा. तो हम अगेंस्ट नहीं हैं उन सारे प्रोडक्ट्स के, ठीक है, जो कि मार्केट में सेल किए जा रहे हैं, लेकिन मैं अगेंस्ट हूँ द वे दे आर बीइंग मार्केटेड. ठीक है, कि एक सांवली लड़की है वो एक पर्टिकुलर चीज यूज करती है और उसकी जिंदगी बदल जाती है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता. जीन्स में सेल्स बनते हैं, इसका किसी क्रीम से क्या होगा? नहीं, और मेरे ख्याल से हर कॉम्प्लेक्शन के लिए एक ही जैसा होना चाहिए कि ब्यूटी सबके लिए बराबर, मतलब एवरीबॉडी इज इक्वली ब्यूटीफुल. सो हम इस पे काम कर रहे हैं कि किस तरह से जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनकी हम किस तरह से पॉजिटिव मैसेज दे सकते हैं. मतलब आप अपनी चीज सेल करें, लेकिन डोंट प्ले विद द इमोशंस ऑफ पीपल आउट देयर. क्या खूबसूरत मैसेज दिया है फातिमा ने. और फातिमा आपकी, बिकॉज मैं भी आपको बहुत टाइम से जानती हूँ और बहुत दफ़ा आपको मैं सुन भी चुकी हूँ, इसलिए मैं चाहती थी कि आपकी स्टोरी दोबारा से हम एक दफ़ा सुने और बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं वो रिलेट कर सकें इससे. सो आपकी कोशिशें, आपकी जितनी भी एफर्ट्स थी, मैं खुद विटनेस हूँ और मैं खुद देखती आ रही हूँ. इनफैक्ट मैंने भी लोगों के कहते हुए सुना कि भाई फातिमा थकती नहीं है, एक ही बारे में बात करिए, क्यों नहीं थकती आखिरकार? तो यही वजह है कि जब तक माइंड सेट कम्प्लीटली चेंज नहीं हो जाता लोगों का, तो नहीं थकते एक्टिविस्ट, नहीं थकते जो कहते हैं कि हमने एक चेंज लाना है सोसाइटी में. सो थैंक यू सो मच कि आप बहुत हद तक अपनी हमारी सोसाइटी में एक चेंज ला चुके हैं और अपना किरदार अदा कर रहे हैं. थैंक यू सो मच जबीन, थैंक यू फॉर फातिमा अलोदी. मैं इस चीज़ पे मुतमईन हूँ, खुश हूँ कि आप जो कदम उठा रहे हैं उसके रिजल्ट्स भी हम देख रहे हैं. और मैं पूरे पाकिस्तान से भी कहूँगा कि हम तो नेशन भी ऐसी हैं कि जिसमें आपको सारे कॉम्प्लेक्शंस मिलते हैं. और मुझे ये भी पता है कि हमारे जीन्स में ये कॉम्प्लेक्सेस बिल्कुल भी नहीं है. वो जो एक हालात और वाकयात में हमारे माइंड को बना दिया गया था, हम उससे बाहर निकल रहे हैं. मैं और सबीन भी, पूरी राइजिंग पाकिस्तान की टीम भी, हम भी जब आपस में मिलते हैं तो जब से पहली बात हमारी यही होती है कि कैसे एक अच्छा मैसेज पूरे पाकिस्तान को दिया जा सके. तो आज का सबसे खूबसूरत मैसेज यही है कि डार्क इज़ नॉट क्राइम, वाइट इज़ नॉट प्राइज. ये सब उस खूबसूरत जो देन है हमें रब ताला की देन है, और हम सबको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए. हमने नहीं बनाया, जिसने बनाया है वो हमसे बेहतर जानता है. तो आप सब जल्द चाहेंगे, सबीन और मैं राइजिंग पाकिस्तान की तरफ से हम आपको कहते हैं कि शानदार दिन आपका गुजरे. अब आपसे जल्द चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़.